अल्लाह उस इस्लाम का तकाजा करते हैं जो सर के
अल्लाह की मर्जी से हटकर जिंदगी गुजरेगी। रसूलुल्लाह की सुन्नत जो मंशाए अल्लाह ताला कर रही है उससे हटकर जिंदगी गुजरेगी। तो याद रखिए खुशबू की तक तो ये बात महदूद हो सकती है, अल्लाह के दरबार के अंदर ऐसे इस्लाम की कोई उम्र भी नहीं है, कोई कदर नहीं। अल्लाह फरमाती है वो इस्लाम मेरे पास लेके आओ जिस इस्लाम का मैं अल्लाह को उनसे तकाजा कर रहा हूं, और फिर ऐसा इस्लाम जिस इस्लाम को अल्लाह ने मुसलमान को ऐसे अंदाज में दिया कि अल्लाह फरमाती है मैं खुद तुम्हें पेशकश कर रहा हूं, तो वो रमजान मुबारक की सूरत के अंदर जैसे बाकी इबादात है, कलमा है, नमाज है, ज़कात है, हज है, इसी तरह रोजा एक ऐसी इबादत है कि इस इबादत में अल्लाह मुसलमान को अपनी तरफ से खुसूसी पेशकश जैसे आज के दौर में कंपनियों की तरफ से ऑफर होती है पेशकश कि ये जो आपने पैसे भरे हैं ये तो उसका मुआवजा या बदला हो गया, ये कंपनी अपनी तरफ से आपको ये चीज भी दे रही है, ये इनामात भी दे रही है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है। अल्लाह फरमाती है पूरे मजहब इस्लाम के अंदर में अल्लाह ने रमजान के इनाम इतने रखे हैं कि ये मेरी तरफ से आफर और पेश कर नहीं सकते। इतना मुकद्दस महीना, इतना बाकमाल महीना, और इस महीने के अंदर अल्लाह ने कितने इनाम फरमाए आप उंगलियों पे शुमार करेंगे करते करते थक जाएंगे। आज तो बंदा ये समझता नहीं है ना कि मुझे अल्लाह कैसे दे रहे हैं। खुदा की कसम बंदे के अंदर ईमान मौजूद होना की मां अपने आप को मुकम्मल अमल में कर ले, कबर से, हजर से, शजर से, शिर्क से, बिदत से, बदअमाली से, बुरियानी से, फहाशी से, गद्दारी से, झूठ से, फरेब से, धोखा दही से, इन तमाम चीजों से जब ये अपने आप को अमल में कर लेता है अल्लाह फरमाते हैं फिर मेरे इतने इनाम उसके ऊपर आते हैं जिन इनाम का ये शुमार मेरे पास है। लेकिन शर्त ये है कि वो इस्लाम पैदा कर जिस इस्लाम का तकाजा और करता है अल्लाह करता है। एक तो हमारे पास इस्लाम है, मेरे पास अपनी मर्जी का, दूसरे के पास अपनी मर्जी का, दूसरे के पास अपनी मर्जी का। मेरा चाचा मामू इनकम टैक्स में हो तो मुझसे कोई फतवा पूछे तो मैं इनकम टैक्स की हराम दौलत के ऊपर फतवा नहीं देता हूं। मेरा कोई चाचा मामू बैंक की मुलाजमत कर रहा हो तो मैं बैंक के सूदी निजाम के ऊपर फतवा नहीं देता हूं। मेरा अपना कोई इस किस्म का घिनौना शराब का या कोई बदकारी का ऐसा कारोबार कर रहा हो जिससे उसका चूल्हा चलता हो मैं उसके खिलाफ फतवा नहीं देता, उसके खिलाफ मसला बयान नहीं करता, हुर्मत का फतवा कुरान व सुन्नत का हो नहीं देता। ऐसे इस्लाम की अल्लाह को जरूरत नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे इस्लाम को अपने पास है, मेरे पास को इस्लाम लेके आओगे काफा मैं अल्लाह के पास पूरा इस्लाम लेकर आओ, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह पूरे इस्लाम का मतलब क्या है, मफहूम क्या है, माना क्या है? अल्लाह फरमाते बना तत्ता भी हो शैतान, शैतान के किसी एक कदम के ऊपर भी तुम्हारा पाँव नहीं आना चाहिए। जहां पे शैतान कदम रखता है वहां तुम्हारा पैर नहीं आना चाहिए। बच बच के चलो, एक अमल तुम्हारा हो तो शैतान के अमल का दाम तुम्हारे अमल के बन गए। आज मुझे देखना चाहिए मैं जो अमल कर रहा हूं इसमें शैतान का कहीं साया तो नहीं पड़ता, कहीं शैतान के अमल की वजह से ये अमल दामदार तो नहीं हो। अल्लाह अल्लाह इनाम दे रहे, रमजान के कितने इनाम है, तीन है, कितने तीन इनाम खुसूसी तौर पर इब्तदाई तौर पर, सबसे पहला इनाम अल्लाह की रहमत, रमजान का पहला इनाम अल्लाह।
रहमत मिलेगी इस महीने के अंदर, बख्शिश होगी इस महीने के अंदर, और जहन्नम से खलासी और निजात होगी तो इस महीने के अंदर। ये तीन इनाम बुनियादी तौर पर है, इब्तदाई तौर पर है, फिर उसके बाद जमनत जो अल्लाह ने इनामात का तस्करा किया है वो अभी अल्लाह के साथ अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह अल्लाह के कुरान की जुबान से निकलेंगे कि अल्लाह ने कितने इनाम दिए। चुनाची अल्लाह खिताब कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह की पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
करते थे अल्लाह के पास पैगंबर हर महीने की 13 जोड़ा और 15 को रोजा रखा करते थे। पिछले रोज को अल्लाह के पास पैगंबर ने बहाल रखा और इस उम्मत के लिए अल्लाह ने जो ये जो इनाम इनाम रमजान की सूरत में अल्लाह ने दिया है अल्लाह फरमाती है ये मैं इसलिए दे रहा हूं लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए ताकि तुम्हारे अंदर बचना आ जाए ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए ताकि तुम्हारे अंदर मेरे मोहब्बत के साथ मोहब्बत का दावा सच्चा है या झूठा है इसकी दलील और सबूत आ जाए। जो बंदा ईमान की हालत में रोजा रखेगा उस बंदे के ईमान का भी पता चल जाएगा उस बंदे की उम्र में अल्लाह के इनाम का भी पता ना चल जाएगा। अल्लाह फरमाती है कि रमजान का महीना में अल्लाह ने पहला तुम्हारे ऊपर इनाम तुम्हें तकवा दिया। सुभान अल्लाह पहला इनाम क्या किया तकवा तकवा। अब ये रमजान जो है अल्लाह के पास पैगंबर ने फरमाया सौम जुन्ना जुन्ना ये रोजा जो है ये ढाल है। रोजा क्या है ढाल है ढाल है यस्तबी होते हैं आलिम मिन अन्नार ये ऐसी ढाल है जो बंदे को जहन्नम की आग से महफूज रखती है। ये ऐसी ढाल है जो बंदे को जहन्नम की आग से हर ऐसा अमल जो इसके जहन्नम में जाने का सबब बनता है रोजा इसे उस अमल से रोक गया। अल्लाह होगा होकर वैसे तो अल्लाह के पास पैगंबर ने नहीं फरमाया लगाने से रुक जाए अगर सुबह को नहीं रोक
वाले आमा हुआ करते हैं, तो बात सच बोलती है। लोग कहते हैं ईमानदार है, हाथ बराबर बोलता है। लोग कहते हैं ईमानदार है, हाथ सही खर्च करता है। लोग कहते हैं ईमानदार है, वजूद नमाज पढ़ता है। लोग कहते हैं ईमानदार है, तेरे अंदर की ईमान के ऊपर दलालत करता है। तो तेरे पाए का अमल कर रहा होता है। अगर तेरे पाए वाला अमल ईमानदार है, अगर कोई काला है, फिर तेरे ईमान के ऊपर दलालत करने वाली चीज कौन सी है? इसलिए अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया और अल्लाह करीम फरमाते हो वो तो मैंने अल्लाह तुम्हारे ऊपर रोजे को फर्ज कर रहा हूँ। इसलिए फर्ज कर रहा हूँ ताकि तुम से पहले लोगों पे भी फर्ज हुआ कि ऊपर हुआ डाल लगूं तब तकूं, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, अल्लाह का डर और खौफ आ जाए। हत्ता के ऐसा जल्दी कर दिया अल्लाह को डाला अन्हा अल्लाह के पाक पैगंबर के बारे में कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फी रमज़ान मा ला यज्तहिदु फी गैरिही। अल्लाह के पाक पैगंबर जितनी जद्दू जो हो जाएगा, जितनी मशक्कत और जितनी अपने ऊपर तकलीफ और दुश्वारी रमजान के महीने के अंदर किया करते थे, ला यज्तहिदु फी गैरिही। रमजान के अलावा अल्लाह के पाक पैगंबर अपनी वजूद पे इतनी मुशक्कत नहीं फरमाया करते थे। और फरमाती है अल्लाह के पाक पैगंबर का कयाम कैसा, अल्लाह के पाक पैगंबर का कयाम होता था, अल्लाह के पैगंबर का रुकू और सजदा होता था, अल्लाह के पैगंबर का सजदा जब होता तो इतना तवील होता, इतना तवील होता, इतना तवील होता। मैं देखती रहती हत्ता के अल्लाह के पाक पैगंबर के तबर्रम कदम
ये तो अजीब बात है, इतनी बड़ी तस्बीह पांव के गिट्टों तक पहुंचने वाली है, हाथ में टक 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 और उसमें पड़ी जा रही है तस्बीह। लेकिन पूछा जाए हाई साहब किधर जा रहे हो, कितों तवीज करने हैं तुम अपने बच्चे आपसे, किधर जा रहा हो, तवीज लेने जा रहे हो। अच्छा शुक्र गुजार है, ये अल्लाह का शुक्र गुजार बनता है कि वो हाजी साहब के गेटों को तस्बीह पहुंचती है। बल्कि ये हमारे पास सनद है, टखनों को सलवार से बाहर रख दिया, कपड़े खुले सिलवा लिए और उसके बाद दाढ़ी बढ़ा ली, सर पे टोपी रख ली, हाथ में तस्बीह जलाने शुरू कर दिया। बस जी ये बड़ा मुत्तकी है। बड़ा क्या है? एक तो मुत्तकी होता है ना, ये मुत्तकी, ये क्या है? मुत्तकी, ये बड़ा मुत्तकी है जनाब। ऐसे मुत्तकी की अल्लाह को जरूरत हाँ। अल्लाह फरमाते हैं मेरी भट्टियों के अंदर जिसको पिघला पिघला के अंदर हथौड़े के साथ लोहा होकर मेरे पास आएगा, मेरे पास आने की ताकत उसकी उसकी। जो दुनिया में भट्टियों में पिघला नहीं है, चक्कियों में जिसने मेरी तो ही तो चखा नहीं है, मजा नहीं चखा है, लज्जत नहीं चखी है, और तो ही वो चीज का नाम नहीं है कि तू लोगों को कहे अल्लाह ये करता है, अल्लाह ये करता है। जब बात आ जाए कि अपने वजूद के ऊपर, फिर तुझे भी पता होना चाहिए कि करने वाला कौन है। लोगों को कह रहा है अल्लाह करता है, आप तबीज करेंगे तो मालूम हुआ अल्लाह नहीं करता था, तबीज करता है। लोगों को कहता है अल्लाह करता है और खुद पूछो दी ये दम सटाने गए हैं। पहले तो लोग दम डलवाया करते थे, अब दम सटाने गए, दम सटाने गए। वाह 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 उम्मत मुस्लिमा, तूने क्या हशर किया है मजहब इस्लाम। ईमान वालों अपने ईमान को ऐसे हथियारों और ऐसे नूरों से मारो। दो दो टके के बैठे हुए हैं, तावीज निकल दे रहे हैं 30 रुपए का 40 रुपए का। और कभी अल्लाह के बंदो सवाल भी कर दिया अल्लाह कि मौलाना साहब आप तो 40-50 का तावीज मुझे देखकर मेरी मुसीबतों को टाल रहे हैं, तो ऐसा कोई 150-200 वाला तावीज लेकर अपनी रिजक की बरकत बढ़ा लो, मुझसे आपको बीस की न लेने पड़े, तेरा काम चल जाए। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान ने कसम उठाई है और अजब की उलमा ने इसके जहन के अंदर एक ऐसी बात डाली है कि जी जो उलमा करे वो सही है, वो जो उलमा करे उनसे सवाल नहीं करना, बस बस जो उलमा है। मुझे मेरे एक दोस्त ने बात सुनाई, उन्होंने कहा आज के दौर में ऐसी बात है कि किसी को कह दो कि ये अमल शरीयत के खिलाफ है, वो कहते हैं फलाह ने नहीं लिखा, फला साहब ने नहीं लिखा, अहमद रजा खान ने नहीं लिखा, जी शेख अब्दुल कादर की रानी साहब ने या अशरफ अली खानवी साहब ने उनकी किताब में नहीं लिखा, फला ने जो लिख दिया है आप उनसे ज्यादा समझते हैं? ईमान से बताओ ये बात करते हैं कि नहीं करते? तो सोना ज्यादा समझ आ गई है, दीन की उन्हें समझ नहीं आई। तो मेरे दोस्त ने उस बात पे एक मुझे मिसाल बताई कि एक आदमी एक बच्चा जो है वो गिरा शरीर में बेहोश है, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक किया, देखा उसको जो भी कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा जिंदगी से गुजर चुका, मर चुका है, मर चुका है। अचानक बच्चे को होश आ गया, उसके बैठ गया, उसने कहा मैं मरा नहीं, मैं मरा नहीं। पास बाप बैठा हुआ था जिसने डॉक्टर को बुलाया था, जोर से उसने थप्पड़ लगाया था, खबरदार तू ज्यादा समझ ले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कह दिया मर गया तो बस हो, बेशक जिंदा बैठा हुआ, डॉक्टर साहब ने कह दिया मर गया। ये आज के लोगों के हालात है। कुरान की आयत पढ़ कर कहती है फलाने को लिखा है, हदीस रसूलुल्लाह सुनाओ तो कहते हैं फलाने को लिखा है। कहां से मदद आए हो, कहां से दीन आए हो? अल्लाह की कसम कसम जितनी तारीफ है, जितनी तारीफ चाहे वो अंबिया के मुताले की क्यों नहीं,
तारीख के अंदर 90% जो है वो शिया का सभ्यता, 90%। वरना ये कौन सी तारीख है जो अल्लाह के पैगंबर अय्यूब के वजूद में कीड़े डाल रही है? ये शिया की तारीख, जिन्होंने कहा इमाम मासूम होते हैं। अपने इमामों का क्या कहा? मासूम होते हैं। और नबी के जिस्म ने क्या किया? जिस नबी के जिस्म में कीड़े पड़ गए तो फिर मासूम तो ना हुआ। ये उन्होंने बुनियाद रखी है। और फिर उन्होंने अपने उन इमामों का दर्जा नबियों से ज्यादा से ज्यादा, और हमारे यानी सुन्नत के सुनेजों से वो बातें लोग ध्यान कर रहे हैं। मैं बार हाँ ये जिक्र कर चुका हूं, अल्लाह की कसम ये सफाइयां करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी। पता नहीं ऐसा कोई मर्द भी पैदा होकर क्या होगा। अल्लाह हमारा ये मौजूद नहीं है, हमारा मौजूद है अल्लाह के इनाम। पहला इनाम तकवा, पहला इनाम तकवा, दूसरा इनाम शुक्र, तीसरा इनाम रहमत, चौथा इनाम मगफरत, पांचवा इनाम निजात। अगला इनाम सुनो, शाहर रमजान लजी उनजिल फीह कुरआन। अल्लाह ने दे दी है, वह हुवा यकूमु बिही
आना अल्लैल व आना अन्नहार, वो दिन की घड़ियों और सातों में भी कुरान ही पढ़ता रहता है, रात के दिनों और सातों घड़ियों में भी कुरान ही पढ़ता रहता है। ये अल्लाह के इनाम है, अगर अल्लाह की रजा के मुताबिक हो, अगर फर्ज किए जाए तो ये दोनों अल्लाह के इनाम है। कुरान भी हो गया इनाम, कुरान भी हो गया इनाम, फुरकान भी हो गया इनाम, हुदल लिन्नास भी हो गया हिदायत, भी अल्लाह का इनाम हो गया। अगर कुरान ना आता तो फिर अपने के पास हिदायत ना आती। तवज्जो करना, अल्लाह का नबी फरमाते हैं इन्ना अंज़लना फी लैलतिल मुबारकतिन इन्ना इसी का नाम है लैलतुल मुबारका भी और लैलतुल कदर। तो दूसरी जगह कुरान कहता है शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फीहिल कुरान, मालूम ये हुआ ये लैलतुल कदर और लैलतुल मुबारका जो है ये किस महीने में है, रमजान में। तो अल्लाह फरमाते हैं फीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले काम का फैसला मैं कौन सी रात में करता हूं। मालूम हुआ जो शबे कदर वाली रात लोगों ने बनाई है वो झूठ है, जो शबान में लोगों ने बनाई है शब कदर वो क्या है, झूठ है, झूठ है। वो रात जो खुशी मनाने वाले लोग मनाते हैं ना, इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू से मैं करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, वो जो लोग मनाते हैं अहले तशरी अपने बारे ईमान की खुशी मनाते हैं। मुसलमानों आपको पता चलेगा कि अहले सुन्नत ने अहले तशरीह से कितना कुछ लिया होगा। हम तो कहते हैं ये हमारा मिशन है कि हम शियों और राफिजियों से अपने मजहब को पाक करें। हमारा मजहब इंशाअल्लाह पाक होगा और हम शियों और राफिजियों को अपने मजहब में आने नहीं देंगे। और जो लोग खुद की नुमाइंदगी करते हैं या उनके अकायद को तरवीज देते हैं, लोगों में बयान करते हैं, तो फिर ये उनके नुमाइंदे, फिर ये उनके नुमाइंदे, फिर अपने आप को अहले सुन्नत कहना छोड़ दो, छोड़ दो। अपने आप को शिया कहो, वो अहले तशरी कहकर खुश है, खुश है। तुम काम उनका करते हो, फिर क्यों अपने आप को कहते हो कि हम अहले सुन्नत हैं, तुम भी अहले तशरी हो। हाँ, अल्लाह फरमाती है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन
ने अल्लाह हर हिकमत वाले अमर का फर्क करता हूँ। किसे मैंने मौत देनी है, किसे मैंने जिंदगी देनी है, किसे मैंने रिस्क देना है, यही हिकमत वाले कामों का फैसला अल्लाह इस रात के अंदर करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अमर हम इंदेना, ये फैसले में अल्लाह की तरफ से होते हैं, मेरे इन फैसलों के अंदर किसी नबी का कोई इख्तियार, किसी वली का कोई इख्तियार नहीं है, किसी अली कली तकी नबी रफी का इख्तियार नहीं है, किसी छोटे और बड़े का इख्तियार नहीं है, किसी बाबे का इख्तियार नहीं है, किसी ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवीं वाले का इख्तियार नहीं है। अमर मिन इंदना, ये फैसले हमारी तरफ से होते हैं। हम ही भेजने वाले हैं फैसलों को, हम ही करने वाले हैं हुक्मों को। अल्लाह फरमाती है जब मेरी तरफ से कुरान के फैसले हो जाएं, तकदीरों के फैसले हो जाएं, मेरे इख्तियार के फैसले हो जाएं, तो लोगों फिर सुनो रहमतम मिन रब्बिका, रहमतम मिन रब्बिका, ये तेरे रब की तरफ से रहमत है, एक इनाम अल्लाह का, अल्लाह की रहमत आ गई है, रहमत मेरे रब का, ये तेरे रब की रहमत है। अल्लाह रहमत क्या है, अल्लाह फरमाती है इन्नहु हुवस समीउल अलीम, रहमत भी अल्लाह की है, इन्नहु हुवस समीउल अलीम, वो अल्लाह ही सुनने वाला है और जानने वाला है। लोगों को ये मसला समझ आ जाए सुनने वाला कौन है, अल्लाह, असबाब से ऊपर वाला तर हो के सुनने वाला कौन है, अल्लाह, जो कानों का मोहताज न हो वो सुनने वाला कौन है, अल्लाह, जो पर्दों में से भी सुन सके वो कौन है, अल्लाह, अल्लाह। ये अल्लाह मसला समझाना ये चाहते हैं कि कुरान नीचे इनाम लेके आया है रहमत, तो रहमत वाला मसला ये है लोगों के असबाब से ऊपर माफोकल असबाब, सुनने की ताकत अगर है, इलम की ताकत है, तो किसकी है, अल्लाह की। ये है रमजान के इनाम, और ये इनाम आए हैं कुरान की वजह से, रमजान की वजह से, और रमजान में कुरान आया तो कुरान की वजह से, तो ये रमजान हमारे पास एक इनाम लेके आया। अब देखे हर बंदा कुरान पढ़ा, सूरह इब्राहिम है 14वां पारा, अल्लाह फरमाते हैं सूरह इब्राहिम के अंदर 13वां पारा है, सूरह इब्राहिम की सबसे पहली आयत, एक और इनाम अल्लाह फरमा जिक्र फरमा रहे हैं, अलिफ लाम रा, किताब अंज़लनाहु इलैक, मेरा पैगंबर ये ऐसी किताब है, ये कमाल वाली किताब है, ये इज्जत वाली किताब है, ये मकाम वाली किताब है, ये अजमत वाली किताब है। आप कहेंगे इतने माने किस वजह से हो गए हैं, किताबों के ऊपर तनवीन है, और तनवीन नकरा के लिए होती है, और नकरा तकसीम और तादीम के लिए होती है। अल्लाह फरमाती है किताबों, ये कामिल किताब, ये अजमत वाली किताब, ये इज्जत वाली किताब, ये बुलंदी को मकाम वाली किताब, अंजलनाहु, हमने इसको उतारा है, मेरा पैगंबर तेरी तरफ उतारा है, किसकी तरफ उतारा है, तेरी तरफ, अल्लाह मेरी तरफ आ गई है, मैं मोहम्मद ने याद भी कर ली है, मैं मोहम्मद ने सीख ली है, अल्लाह क्या इसको हिफ्ज करके मैं शबीनों में पढ़ना शुरू कर दूं, अल्लाह इसको याद करके मैं कब्रिस्तानों में पढ़ना शुरू कर दूं, अल्लाह इसे याद करके मैं खतों पढ़ने शुरू कर दूं, अल्लाह फरमाते हैं नहीं नहीं, इनाम में देना है भी अल्लाह ने, लिहाजा मेरा पैगंबर कुरान आया इनाम वाला मसला बताने के लिए।
आया है, कौन सा इनाम है अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं ले तो करे जन्ना समिन ज़ुलुमाते इला नूर। ओ मेरा पैगंबर लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आए इस कुरान की वजह से, जब रोशनी में आएंगे तो लोगों पे मेरा इनाम। कुरान किस लिए आया? लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में। उससे तो आपको ना तवीज लिखने से आया है, ये एक ही आपके वो थे आपको। कुरान किस लिए आया? रोशनी के लिए। अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आने के लिए, जाहिलों को इल्म देने के लिए, जाहिलों को इल्म देने के लिए, हिदायत देने के लिए, हुदा लिन्नास दलायत देने के लिए, बैना वल मिनल हुदा लोगों में मसले का नखेड़ा करने के लिए, वल फुरकान लोगों को पता चल जाए सच सच है, झूठ झूठ है, मर्द मर्द है, औरत औरत है। मेरे उस्ताद शेखुल कुरान अल्लामा अहमद सईद खानवंदानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मेरा पैगंबर कुरान पढ़ ताजे फुल्ले फुल्ले ते माइयां माइयां हो जाए, मरद मरद ते औरतां हो जावे, विचाले च मसला रह न जावे, मर्द मर्द हो जाए, औरतें औरतें हो जाए, ऐसा ना हो गोल गोल ते सावा सावा, गोल गोल ते सावा सावा सावा। ये गोल गोल ते सावा सावा के है पश्तों की मिसाल है। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब पंजाबी रहे मौला फरमाया करते थे, दासे मवाया की शीन शीन और गोल गोल समवाया की नारंग, ये नाक गोल गोल ते सावा सावा सीधा आंख नारंगे सीधा के आंख नारंगे। हाँ तो ये लोग भी क्या कहते थे, उत्तू उत्तू मर्दें ते विच्चू विच्चू जींदे हो, उत्तो उत्तो सुनते ते विच्चों, कोई उत्तो उत्तो ते विच्चों विच्चों क्या होता है, और बेवकूफ सीधी बात कर जो कुरान ने कही है, इन तबरू हो होता है सारू तो आपने को अगर तुम उन्हें जोर लगा के भी बता रहे हो वो तुम्हारी पुकार को सुनते नहीं है। बात कुरान की है ना, बात किसकी है? कुरान की। ये आयत भी कुरान की है, जो मैंने पढ़ी है ये आयत किसकी है? कुरान की है। कुरान सारा हमारा है इंशाल्लाह। सारे थे अमल या सिर्फ तीन सपारे थे? सारे थे, सारे थे। अल्लाह ने कुरान के बारे में कहा कि ये कुरान ये सारे के सारे तिलका आयात किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये ऐसी किताब है जो सारी आयात मुहकम है। इसकी सारी आयत क्या है? मुहकम है, मजबूत है। कुरान की कोई आयत भी नाकस नहीं है। अगर कोई बंदा मेरे सामने नहीं कहता तो घर में अपनी चारपाई पे बैठ के थोड़ी देर के लिए सोच के कहे कुरान की फला आयत नाकस है, ये सोचने के बाद फिर अपने ईमान के ऊपर नजर सानी करे, फिर देखे उसका ईमान क्या है। हम कुरान को काम सबसे पहले जब तर्जमा पढ़ते हो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये कामिल किताब, इसका माना क्या करते हो? कामिल किताब। अगर कामिल है तो फिर नाकिस नहीं है, नहीं है। कुरान को कामिल मानो तो कुरान की तमाम आयतों के ऊपर ईमान होना चाहिए, अगर सबके ऊपर ईमान होगा तो इनाम होगा, ईमान होगा तो इनाम होगा, इनाम होगा। अगर ईमान नहीं होगा तो इनाम नहीं होगा। स्कूले में सारे तालिबे इल्म मिलता होता है या स्पेशल मिलता है? बोलो स्पेशल। हाँ, इनाम स्पेशल लोगों को मिला करता है, तमाम जमात को इनाम नहीं मिलता, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले होते हैं उनको इनाम मिलता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे कुरान पे जो कामिल और मुकम्मल ईमान लेके आएगा इनाम भी मैं अल्लाह उसे दूंगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आप जरूर दुआ करें।